नाम है इसका। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं बैठा हुआ हूँ दुकान पर, कैसे कोई दाना हो गया गाइस? मेरे घमोरी हो रही है माथे पे यार, बहुत ज़्यादा। मैं यार दाना हो गया, क्या लगाऊँ यार मैं? कैसे दाना हो गया मेरे होठ के ऊपर, जो इतना दिख तो ना, वैसे गौर से देखेंगे तो दिख जाएगा। इसके तो होठों पे अब दाने होंगे यार। क्यों? क्योंकि अब कुछ ना कुछ इसका हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अबे बंदों को गलत लगेगा, सच बता क्या बोल रहा है। कुछ नहीं, मतलब अपडेट हो रहा है बंदा यार। दाने वाने तो थोड़े बहुत तो दिखेंगे। अपडेट कैसा हो रहा है ये बता दे, बंदे गलत मान लेंगे। कोई गलत नहीं मानेगा भाई, कोई गलत बात नहीं है। जिम में जा रहा है बंदा यार, थोड़ा उससे दाने का क्या मतलब है? थोड़ा हो जाता ना, पसीना आता भाई बहुत ज्यादा। पसीने से तो सही होता है मामला? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर नीचे, अगर तुम पसीना पोंछते हो ना। अच्छा, हाथ में लगाते तो हो जाता है, और ऊपर से अभी बारिश पड़ी है। बारिश पड़ी है तो बारिश से तो दाने सही होते हैं यार। जो हो गया ना, पसीना सूख गया है। अच्छा, तो सूखने से ना, इसी वजह से मेरी घमोरी हो गई है बहुत ज्यादा। ऐसे घमोरी हो रही तो बारिश में ना ले, सही बात है। अभी तो ऐसी ड्रेन भी नहीं है, दो चार बार बारिश हो चुकी है। नहीं ना, हल्की बहुत पड़ गई होंगी यार सर्वर पे तो। अरे और बारिश में ढंग से नहा ले, पूरा भीग कर ढंग से तो हो जाता। मैंने सुना है पूरा भीगने के बाद अगर बंदा नहाता ना बारिश में, तो घमोरी ज्यादातर ठीक हो जाती है। और ना टर्मिकूल पाउडर रगड़ रगड़ के डाल, घर में रहता है ऐसे ऐसे पोतले, जैसे टेस्ट में टेस्ट सीरीज में बंदे खेलते हैं ना क्रिकेट में। मेरे तो यार स्कूल चालू हो रहे हैं। कब से? एक तारीख से। अब तेरे से कैसे मिलेगा? मैंने सुना तो हॉलीडे बढ़ गए यार। नहीं यार भाई, इनके स्कूल चालू, क्या करें यार। आलोक भाई से कैसे मिलना हो करेगा यार, देखते हैं संडे को टाइम। पांडे भी जाएगा बंदा फिर तो यार, पांडे भी स्कूल जाएगा बंदा। पांडे तो यार तेरे घर के बगल में रहता है यार, उसका क्या यार, हम लोग तो दूर के सहपाठी हैं यार। तो स्कूल जाते वक्त रोज मिल लिया कर भाई, क्या बात करते तूने यार, स्कूल जाते वक्त मिल लिया कर रोज। हाँ वहाँ देखते हैं, लेकिन आलोक भाई तो निकल गए स्कूल से। आलोक भाई लेके, हाँ भाई मैं निकल गया भाई स्कूल से यार। बोरी बिस्तर बांध लिया ऐसे स्कूल से, 12th कर ली पूरी। ये देख लो छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, हालांकि पहले से बहुत बढ़िया हो गया, पहले से कम हो गए हैं यार। लेकिन यार डाना मुझे इरिटेट कर रहा है यार। कोई नहीं, से भी सही कर लेंगे, कोई बात नहीं। छाछ लेने आया, सोचा कि आलोक भाई से मिल। बिल्कुल भाई, छाछ लेने आया था, कहते थे मेरे से मिल लें, तो मिल लिया भाई मेरे से। भानू सेठ, भानू सेठ काफ़ी बड़ी आदमी है, और इनके 1,00,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मौज पे इंस्टाग्राम पे। जरूर फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे भी इन्हें फॉलो कर लें भाई। इनकी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। भानू भाई जिंदाबाद। 2.5 साल हो गए भाई को मेहनत करते हुए। भाई कॉमेडी रील्स बनाते हैं, बट भाई को अभी तक मतलब, हाँ ऐसा नहीं है कि मतलब भाई को क्या कहते हैं उसे, क्या मतलब भाई थोड़ा चला अभी 1,300 सब्सक्राइबर्स हैं, 1,300 फॉलोअर्स हैं, नहीं 1,500 फॉलोअर्स हैं भाई। देख लो मेरे 1,800 हैं, भाई के 1,500 हैं। तो गाइस आप भाई को सपोर्ट करो, भाई को 2.5 साल हो गए, भाई आगे बढ़े हमारे। वो तो आप सबको पता है, तो भाई बंदा रील बनाता है कॉमेडी मुजरा वाली। नहीं, वो तो आप सबको पता है कि पहले ये बंदा भी आता था भाई वीडियोस में, लेकिन क्या कारण रहा है वो मेरे को नहीं पता। मेरा इंटरेस्ट यार, लेकिन मैंने तो हमेशा यही सुना है, कोई आए या जाए अपनी मेहनत पे टिके रहो, बस मेरा इंटरेस्ट लगे रहो। मेरा इंटरेस्ट उसमें थोड़ा कम हो गया, सही समय निकल गया। तो बस मैंने ये सीखा, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो लाइक जरूर करना यार। कल वाली पैंट पहन रखी है, पैंट थोड़ी ज़्यादा वो ऐसी वाली, देख लो ऐसी वाली। तो एक भाई है, वो मुझे कह रहे लड़कियों की पैंट है, मैं तो मूसे वाला को भी देखा था। और शर्ट तो अजीब ही लग रही है भाई, ये तो कुर्ता है भाई, ये तो कुर्ता है, कुछ भी हो यार बहुत ज्यादा। पर भाई मेरे पसंद नहीं आया कल से, लेकिन हाँ ये है कि अपनी चॉइस हो ना वो पहनो भाई। हाँ भाई मेरी चॉइस मुझे अच्छी लगती है भाई। मेरा भी यही कहना है कि आपकी जो पसंद है ना वो देखो, दुनिया की पसंद से आपको कोई मतलब नहीं है। दुनिया का काम है बोलने का, दुनिया को छोड़ो, दुनिया को जान दो, आप अपने से मतलब रखो। आपको जो अच्छा लग रहा है वही पहनो, आपको कच्चा बनाना अच्छा लग रहा है कच्चा बनियान पहन के। मैंने अपने आप को अब अपडेट किया, जैसे कि मेरे को छोड़ के गया तो मैंने कोई कोई इससे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जा तू भाई, तेरे को जो पसंद है कर, मैं अपनी मेहनत करूं। ये तो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, जैसे छोड़ के चला गया था मैं। हाँ यार वही मान लो, गर्लफ्रेंड ही एक छोड़ के चली, गर्लफ्रेंड थी मेरी, छोड़ कैसी बात करता हूँ। रमेश, तनुज, आदि, इसको हम प्यार से नुन्नू कहते हैं, और ये पांडे हमारा। वही शाम का टाइम हो रहा है और जा रहे हैं हम, थोड़ा टीका लगा के पारक वारक में घूम रहे हैं। पांडे हमेशा टीका लगा, टीका लगा के ये सब करते जा रहा है। क्या सब करने जा रहा है पारक में? अबे पब्लिक गलत मान जाएगी बे तुम यार, ये आज भानु भी गलत बोल रहा पार्क में, पार्क में गलत काम करते हैं क्या? नहीं यार मतलब खेलने जा रहा है पार्क में। तो तू ये क्यों कह रहा है पार्क में टीका लगा के ये सब काम करने जा रहा है? मतलब तू पांडे को रोस्ट कर रहा है? नहीं नहीं, खेलने जा रहा है लड़कियों के साथ। पांडे तू क्या कहना चाहता है? कुछ नहीं है, सनातनी है, सनातनी। आ मेरी जान, आ भाई ला, मैं भी शनिचर हूँ, मैंने काला पहन रखा, तू भी शनिचर है, ये रह गया बेचारा है। तू कौन है बे? कौन है बे तू? ये हुआ है फादर, सफेद फादर। अरे वाह फादर,
भाई एक रैपर मिले हमें आज, ये अपना रैप सुनाएंगे। चलो भाई ये हमारे हर्ष भाई के दोस्त हैं, सुनाओ भाई। सॉरी भाई होने छोटे। हाँ हाँ सुना दे बीट वीट निकाल के। हाँ सुना दे यार, सुनाओ अभी रुक जा पहले बीट वीट बजाने दे। बीट वीट बजाएंगे भाई, चलो सब करेगा साथ में। तैयार हो सुनने के लिए? हैं तैयार हो सुनने के लिए? अबे मैंने उसे गाना सिखाया तो बोले तैयार हो सुनने। बाल बना इस टाउन का, तूने बोला लड़ाई में मैं बंद नहीं, देख देख अकेला ही आऊंगा। फ्रेंड्स यार यहाँ पे चलते कट कट, यहाँ पे वो नहीं आता जिनके फटे फटे कटे के कटे करा दे। तू लोडी है ओजी है बंदे ये है तेरी फ्रॉड, अंदर विशूज आता गुस्सा बहुत। और बता क्या क्या करना है भाई, काटे रख दू मैं बन जाऊँ मैं कसाई, फटे तेरी आजा कर दू सिलाई। लंडे भिंडे की तू बातें छोड़, क्या बंद कर रहा है दूध मल्लाई, मेरी नहीं किस्में है तेरी भलाई। जबान है गंदे ना तो जूते साफ, भेजू मैं इन्हें मैं करके माफ, देते यहाँ पे सीधा गुड्डी को नाप, देते यहाँ पे देखते नहीं यहाँ पे चाहे कोई भी हो जाए, किसकी भाई या फिर किसका बाप, तू आके पूछता मेरे से मेरी औकात। रनिंग दिस टाउन बेबी। अच्छा रनिंग दिस टाउन है गाने का नाम। ये पीछे बीट में कोई तो बज रहा है। क्या है ये मेरी औकात, तू पूछा मेरे से मेरी औकात, तू आके पूछ उससे बात, जाके अपने भाई से पाल चल मेरी औकात, करता आके मेरी साफ औलाद, करता वो आंखें झुका के है बात। और तू पूछ रहा मेरे से मेरी औकात, औकात दे लूंगा मैं तुझको गरीब, तेरा भाई मांगता है मुझसे उभी, तुझे समझ नहीं आया मैं फिर से सुनाऊं। यार नो यू नो आई एम रनिंग दिस टाउन। जिम में आ चुका हूं मैं आज पहली बार। भाई से क्या कहते हैं उसे कोने वाली को जो रॉड लगा रहा था मैं? वेटेड स्क्वाट। तो भाई वेटेड स्क्वाट लगा रहा था जो कि फर्स्ट टाइम मैंने इतना हैवी लगाया था, लगती नहीं वैसे, बड़ा लग गई क्योंकि भाई मोटिवेशन दे रहे थे पीछे से। मिश्रा यतीन डेढ़ा क्या ना सर? ठीक है एक नंबर, एक नंबर भाई। बुद्धा तो भाई फर्स्ट टाइम मार रहा हूँ मैं, 50 किलो वेट है और रोड का कितना है? 20 किलो रोड की, यानी 70 किलो है भाई। फर्स्ट टाइम मार रहा हूँ 70 किलो, मेरा बॉडी वेट है 50 किलो और मार रहा हूँ 70 किलो भाई, देखते हैं लगेगी कि नहीं। 10 रैप निकालने की कोशिश है मेरी। चलो भाई 10 गई थी 12 निकल गए। आज आलोक से और भाई का नाम क्या भाई? भाई सचिन भाई से आज 70 किलो लगा रहे हैं, पहली बार वेट लगा रहे हैं। तो आलोक भाई ने तो सचिन लगा चुके हैं, अब सचिन भाई की बारी है, तो देखते हैं ये लगा पाते कि नहीं। आपका बॉडी वेट कितना भाई का? भाई मेरा बॉडी वेट 48 है, इनका 48 है और आपका भाई 50 भाई 2 किलो ज़्यादा है, बट बंदे की स्ट्रेंथ हमारे जैसी सेम है, बटन से कुछ नहीं होता, टेस्ट रूम लेवल अच्छी है। सलाह चल ओके भाई, एकदम बहुत बढ़िया भाई। ग्रुप्स को पीछे फेंको भाई, इनको थोड़ा अंदर कर ना, बहुत बढ़िया। ऐसे करने तू मैं ऐसे करता, ठीक है? मैं सही मार रहा था। हाँ आप सही लगा रहे थे भाई। चलो भाई, भाई की थोड़ी पोजीशन गलत थी, कोई बात नहीं, बाकी भाई ने सही कराया, इससे पहले सही कराया, वेट ज्यादा होने के कारण झूठा था। ठीक है चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे थोड़ा पीछे पीछे फेंक, इसको पीछे फेंक, हिप्स को बहुत बढ़िया। उसी में बैठते ना भाई, वैसे बैठ। चल नीचे आ रहा, सात चल, पांच चल, चल नौ चल, गिनने दे वो चल, चल दो बहुत बेहतरीन। भाई लगा दिया, बहुत बढ़िया। देखो भाई लगा रहे हैं भाई वेट। चले चलो भाई, मैं भी अभी बाल कट रहा हूँ, विद स्टाइल में मारी है मैंने, सपोर्ट के साथ लग रही है भाई, लेकिन लगनी चाहिए बस, चाहे सपोर्ट के साथ लगे या बिना सपोर्ट के, वेट हैवी से हैवी मारो। हाँ लेकिन फॉर्म सही होनी चाहिए।
वेट कम ही मारो बेचक। ये वेट है भाई 50-90 किलो। तो गाइस अपना फुल लेग का वर्कआउट करके घर आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गया हूँ आज यार, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं आज यार, क्योंकि लेग के वर्कआउट में इंसान ज़्यादा ही थक जाता है और पूरी जान नहीं आ जाती है लेग में यार, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे को अच्छा की बोलती 5 ही एक्सरसाइज मारी थी छठी, क्योंकि लेग के नीचे भाई ताकत नहीं बची थी बॉडी में, काफ मारे और खड़ा। तो गाइस इसी के साथ मैं अपनी आज की ब्लॉग को एंड करता हूँ। कैसी लगी आपको मेरी आज की ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं और ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ, और इसी तरह आपको अपने डेली रूटीन से मैं कुछ ना कुछ दिखाना चाहूँगा, कुछ ना कुछ बताना चाहूँगा। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, टेक केयर।